महत्वपूर्ण एक दिवसीय कार्यशाला के लिए यहाँ हम जुड़े हुए हैं और हमारे बीच UGC के अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश कुमार के साथ साथ वहाँ के सचिव डॉक्टर रजनीश जैन और UGC के अन्य अधिकारी वर्ग भी यहाँ आए हुए हैं तथा NCC जो हम पूरा इंडक्शन प्रोग्राम चलाने के लिए जिनका दायित्व हमने AICT के माध्यम से दिया हुआ है, डॉक्टर रजनीश अरोरा जी, डॉक्टर चरण जी, डॉक्टर राजुल अस्थाना जी और सबसे महत्वपूर्ण गणेश बगारिया जी जिन्होंने हमको इस मामले में प्रेरणा दी थी, सब उपस्थित है। और जैसे शुरुआत में ही कहा गया कि हमको आज डॉक्टर गौर और ठाकुर जी की याद आती है क्योंकि ये कार्यक्रम यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ का जो बीज बोया गया था वो IIT दिल्ली में डॉक्टर गौर जी ने करीब करीब 20 साल पहले बोया हुआ था और उसके यानी डायरेक्टली बेनिफिशियरी जो है हमारे डॉक्टर पुनिया भी है, उस टाइम में वहाँ PhD कर रहे थे, डॉक्टर अरोरा जी भी है। तो वहाँ से प्रेरणा लेते हुए एक संस्था से करीब करीब एक यूनिवर्सिटी से शुरुआत होते हुए देश भर में करीब 40 विश्वविद्यालयों में इसका आज जिक्र हो रहा है और वहाँ यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में हम बार बार प्रोग्राम चला रहे हैं, छात्रों को उनके साथ जोड़ रहे हैं और एक बड़ा मूवमेंट के रूप में ये एस्टैब्लिश होने जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं जब कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में था तो मुझे फिर याद आता है कि IIIT हैदराबाद डॉक्टर सांगल जी आए थे और उन्होंने जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ के लिए कुछ काम किया था उसको बताया, तो तब से मेरे दिमाग में था कि कुछ ना कुछ एक एक कॉलेज में नहीं पूरे देश भर में होना चाहिए। लेकिन मौका मिला यहाँ AICT का चेयरमैन होने का तो हमने तुरंत डॉक्टर अरोरा जी और उनकी टीम को सानिध्य में एक एक्टिविटी बेस्ड एक्शन प्लान बनाया और जो इंडक्शन प्रोग्राम स्टूडेंट्स का होना चाहिए वो 3 हफ्ते का एक वेरी एलाबोरेट प्रोग्राम हमने ड्रॉ किया और डॉक्टर अस्थाना जी, गणेश बगारिया जी, चरण जी और डॉक्टर अरोरा जी और अनेक है 75 के ऊपर स्वयं सेवक उसमें जुड़े हुए हैं, वो सब लोगों ने मिल के एक बहुत रोबस्ट 3 हफ्ते का स्टूडेंट्स के लिए इंडक्शन प्रोग्राम डिज़ाइन किया। और ऐसा प्रोग्राम आज हमारी जो लर्निंग है वो IIT दिल्ली से शुरू होती है, IIT BHU से होती है, IIIT हैदराबाद से होती है, तो पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में हुई थी, UPTU में हुई थी, तो ऐसे अनेक लोगों के सहभाग से उनके एक्सपीरियंसेस को हम जोड़ते हुए AICT का ये स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम 8 मॉड्यूल वाला डिज़ाइन किया 8 मॉड्यूल हमारे फैकल्टी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में तो 9 मॉड्यूल का ये प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया और हमको ये महसूस हुआ कि सारी जगह में स्टूडेंट इंडक्शन कैसे होता था, सब कॉलेजेस में यूनिवर्सिटी में एक दिन का स्टूडेंट इंडक्शन ज़रूर होता है, लेकिन उस इंडक्शन प्रोग्राम में एक ऑडिटोरियम में सारे छात्रों को बिठाया जाता है, पेरेंट्स को बिठाया जाता है और नॉन स्टॉप लेक्चरबाजी होती है, वाइस चांसलर डीन से लेकर वहाँ के जो भी प्रिंसिपल डायरेक्टर है और उनको कहा जाता है कि कल से क्लास शुरू हो रहा है और कई लोग अलग अलग जगह से आते हैं, गाँव से आते हैं, कोई शहरों से आते हैं, कोई गरीब परिवार से आते हैं, कोई रईस परिवार से आते हैं, कोई इंग्लिश मीडियम से आते हैं तो कोई मराठी, कन्नड़, तेलुगु ऐसे मीडियम से आते हैं और अचानक क्लास शुरू होने के बाद जो एक तरह से गांव से आया हुआ, गरीब परिवार से आया हुआ, मातृभाषा में सीख के आया हुआ छात्र सडनली उसको पता नहीं चलता है कि यहाँ क्या हो रहा है, सब अंग्रेजी 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 हो रहा है और कुछ लोगों को ये समझ में आ रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए भी अनेक बार अच्छे अच्छे छात्र जिनको 80-90% मार्क 10वीं 12वीं में मिले हैं उनकी परफॉर्मेंस एकदम खराब हो जाती है, दूसरी और उनके अंदर में भी कोई ऐसे गुण होते हैं जो शहरी और इंग्लिश मीडियम के छात्रों में नहीं होते, उनको मालूम नहीं है, ऐसी चीज़ें भी उनमें आती हैं। तो इन दोनों का
समागम करना, उनको कोलैबोरेशन मोड में लाना, एक दूसरे को समझ लेना, इसके लिए एक दिन का समय काफ़ी नहीं है, तो हमने 3 हफ्ते का ये स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम डिज़ाइन किया था। और अब तो नई शिक्षा नीति जो जुलाई 29, 2020 से शुरू हुई है, उसमें सारे हमने जो जो चीज़ें कही हैं स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम और उसके जरिए फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए वो करने के लिए, वो सारी चीज़ें नई शिक्षा नीति में है। वी टॉक अबाउट होलिस्टिक डेवलपमेंट, वी टॉक अबाउट वैल्यूज़, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, वी वॉन्ट ऑल आवर स्टूडेंट्स टू बिकम गुड सिटीजन्स हु आर सेंसिटिव, हु विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट टू द नेशनल डेवलपमेंट। और ये सब चीज़ें बार बार, उसके अलावा इंडियन नॉलेज सिस्टम्स के बारे में और इनोवेशन के बारे में जो जो कहा गया है, वो सारे इस 9 मॉड्यूल्स में हमने 4 साल पहले ही डालते हुए इसकी कार्यशालाएं शुरू हुई। और पहले तो लग रहा था कि देशव्यापी कैसे हो सकता है, कंपलसरी करने से लोग क्या कहेंगे, लेकिन हमने एक क्या बोलते हैं उसको, जंपिंग इनटू द फायर, ऐसे हमने कहा कि शुरू कर देते, जो होता है देखा जाएगा। लेकिन जैसे जैसे इसकी शुरुआत हुई, हमने देखा कि हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जिस जिस जगह में फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम इसके बारे में हमने शुरू की थी, फैकल्टी के रिएक्शन, एक हफ्ता नॉर्मली 1 हफ्ते के 7 दिन के 10 दिन के ऐसे प्रोग्राम थे, तो कई फैकल्टी मेंबर्स आखिरी दिन 5वें दिन या 7वें या 10वें दिन क्या बोल अक्षरशाह बोलते हैं, यानी अपने आंखों से आंसू आते हुए कहने लगे कि शिक्षक का दायित्व क्या होता है, हम पहली बार हमको समझ में, हम 10-15 साल से टीचर थे, लेकिन पहली बार हमको महसूस हुआ कि शिक्षक क्या कर सकता है और क्या करना चाहिए, इसका हमारे बीच में महसूस करवाने के कार्य जो किया है वो हमारे कॉलेज में जाके हम इसको हमको समर्पण करेंगे भाव से, उसी भाव से। और उसका परिणाम ऐसा हुआ कि जहाँ जहाँ ऐसे शिक्षक तैयार हो गए, उस कॉलेज में स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम 3 हफ्ते का अच्छी तरह से चलने लगा, तो उस कॉलेज के प्राचार्य और उनके डायरेक्टर प्रिंसिपल या जो भी है, वो कहने लगे कि हमारे यहाँ जो जो पहले समस्या होती थी, वो समस्याएँ सब अपने आप ही हल हो गए। हम देखते हैं अनेक कैंपसेस में छात्र छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो एजिटेशन करते हैं, धरना देते हैं, घेराव करते हैं, उसके बदले में मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट मेरे कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए करूँगा, भले बाथरूम में कुछ टैप लीक हो रहा है, तो यदि मैं खुद रिपेयर कर सकता हूँ तो मैं खुद करूँगा, रादर देन गोइंग एंड कंप्लेनिंग टू द अथॉरिटीज। जो हमारे बस में नहीं है, कर नहीं सकते हैं, वो ज़रूर हम जाके बताएंगे। लेकिन जिस टीचर के साथ ये 3 हफ्ते उनका सहवास रहा, वो नेचुरल एडवाइज़र, गाइड, फिलोसोफर, मेंटर अपने आप बन गए। ऐसा हम पहले से भी अनेक इंस्टीट्यूशंस में एक प्रथा होती थी कि एक एडवाइज़र को नॉमिनेट करना, यानी हर 30 स्टूडेंट को 20 स्टूडेंट के पीछे एक एडवाइज़र होता है। कई अच्छे इंस्टीट्यूट में उसका कुछ लाभ जरूर होता है, कौन से कोर्स लेने चाहिए उसका एडवाइस, मेंटरशिप जरूर IITs में वगैरह होती है, लेकिन पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट, जो आत्मीयता होनी चाहिए, वो उसमें नहीं है, इवन IIT में नहीं। लेकिन बाकी कॉलेज में तो थ्योरेटिकली एक आदमी को दिया जाता है और वो 20 छात्र और वो फैकल्टी मेंबर पूरी 4 साल के उनकी जो करिकुलम है चलता है, क्लास चलते हैं, उसमें मिलते भी नहीं है कई बार। तो यहाँ से लेकर कैसे हम उस छात्र को भी महसूस होना चाहिए कि ये मेरे गुरु जी है, ये मेरे मेंटर है, मुझे कुछ भी समस्या हो, एकेडमिक हो या नॉन एकेडमिक हो, मैं इनके पास जा सकता हूँ, इनसे मुझे राहत मिलेगी, ये जब तक भावना छात्रों के मन में निर्माण नहीं होगी। और वैसे ही उस शिक्षकों को भी कि ये जैसे मेरे बेटा बेटी है, वैसे ये भी मेरे बेटा बेटी है, अलग अलग जगहों से हमारे यहाँ बीच में आए हुए हैं, तो मैं यहाँ उनका लोकल गार्डियन जैसा हूँ, उनकी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है, ये शिक्षकों को भी होना चाहिए। ये दोनों का समाभाव करने की ये स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के बारे में हमने शुरुआत की। उसके बाद में देखा कि एक बार होने से नहीं चलता है, तो हमने यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज नाम का पहले इलेक्टिव बनाया और उसको कहा कि जो छात्र चाहते हैं वो ले सकते हैं। उसके बाद लास्ट
जो करिकुलम रिवीजन किया तो उसको मैंडेटरी बनाया। कई चीज़ें ऐसी होती है कि एक साथ मैंडेटरी करने से रिएक्शंस भी आते हैं, तो हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में पहले टीचर्स को तैयार करना, उसके बाद इलेक्टिव तैयार करना, उसके बाद एक कंपलसरी कोर्स करना। अब तो हमने ये भी कहा है कि एक माइनर डिग्री प्रोग्राम इन यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज भी हमने स्टार्ट करें। उसके लिए करीब करीब 18 क्रेडिट यानी 6 कोर्सेज का, बहुत थ्योरेटिकल कंटेंट प्रैक्टिकल कंटेंट के साथ साथ, कैसे हम एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मेजर डिग्री हो या इलेक्ट्रॉनिक्स की मेजर डिग्री हो तो उसके साथ साथ यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ की माइनर डिग्री लेकर भी छात्र जा सकते हैं और उसका प्रभाव हमारे पूरे देश भर में आगे चलते हुए आ सकता है। ये नई शिक्षा नीति और उसके जोड़ते हुए हमने जो कार्यक्रम शुरू किए उसका जिक्र मैं कर रहा था, लेकिन उससे भी ऊपर उठकर हम आज देखते हैं कि दुनिया भर में ऐसे क्लिष्ट वातावरण है, यूक्रेन रशिया का जो युद्ध चल रहा है तथा कई देश जो खुद को डेवलप्ड नेशन बोलते हैं तो उनकी फिलॉसफी क्या है, और दूसरी तरफ और एक फिलॉसफी है उनकी भी क्या कहना है, लोगों को फोर्स करके करवाना, एक सिस्टम है तो दूसरा फुल्ली लिबरल सिस्टम है, कुछ भी करो चलेगा। तो दोनों के मध्य में भारतीय संस्कृति हजारों साल से पुरानी, जिसमें हर आदमी को व्यभिचार करने के लिए नहीं है लेकिन स्वतंत्र जरूर है, और उसी के साथ साथ डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट बाय सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, हम हमेशा हर व्यक्ति को अपनी उन्नति जो है अंदर झांक के देखने के लिए कहते हैं कि इनर पीस और इनर फीलिंग्स को डेवलप करना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना, और हमारे ये पूर्व प्रोग्राम जो है वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बेस्ड है। हम किसी भी टीचर्स को इस प्रोग्राम में या स्टूडेंट्स को ये कहते नहीं हैं कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, हम कुछ स्टेटमेंट्स देते हैं, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करके आपको सही क्या लगता है बताओ, ऐसे कहते हुए उनके बीच से इसको बाहर निकालते हैं। हमारे बीच योगेश कोचर जी भी है, उन्होंने और हमने मिलकर एक हैप्पीनेस ऐप डेवलप किया, इसमें 6+6=12 पहलू है उसमें, और ये सभी पहलू भी हम देखते हैं हर रोज फेसबुक ट्विटर में हम कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं, लेकिन इसमें इतने जुड़ गए हैं कि हमारी मानवतीयता क्या होनी चाहिए उसके बारे में सोचना ही बंद हो गया। घर घर में भी हम एक दूसरे से बात नहीं करते, तो लोगों ने कहा कोरोना की वजह से कुछ अच्छा भी हुआ कि घर में बेटा बेटी रहने लगे, माता पिता रहना पड़ा क्योंकि लॉकडाउन हो गया तो एक दूसरे से बात करना शुरू हुआ, अदरवाइज बेटा बेटी भी पिताजी माँ को व्हाट्सएप में ही मैसेज देते थे घर में रहते हुए भी। यहाँ से बाहर उठने के लिए एक तरफ से कोरोना ने भी हमको मदद की है, लेकिन ये कोरोना की वजह से नहीं होना चाहिए, ये दिल से अपने को हर आदमी को लगना चाहिए, और इसलिए ये जो कार्यक्रम आज का है मैं पूरी एनसीसी आईपी टीम के लिए धन्यवाद अर्पण करता हूँ कि गत 4 साल में विदाउट ऑनरेरियम विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न 75 से ऊपर लोग हर रोज इसमें कार्य में जुड़े हुए, हर हफ्ते सोमवार को शुरू होता है शुक्रवार तक चलता है, पहले तो हम फेस टू फेस मोड में कर रहे थे लेकिन जब पैंडेमिक शुरुआत हो गई तो एक झटका लग गया कि अभी सब बंद हो जाएगा, लेकिन हमने एक एक्सपेरिमेंट करने का सोच लिया कि ऑनलाइन में भी करके ट्राई करेंगे। एनसीसी आईपी टीम वॉज नॉट विलिंग इन द फर्स्ट प्लेस बट मैंने फोर्स किया, फिर हम कम लोगों को लेंगे चाहिए तो, लेकिन 100 से स्टार्ट हुआ 200 से हुआ तो उन्होंने ही बाद में कहा कि अभी 1000 नहीं 10,000 को भी हम कर सकते हैं और हमको बड़ा लाइसेंस दिलवा दीजिए, वहाँ तक हमारी जर्नी निकली है। तो इसका मतलब कई एक्सपेरिमेंट इनोवेशन जब करते हैं पहले बार लगता है कि ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम जब झोंक देते हैं जब हमारे अंदर में वो वैल्यूज़ है और हमारी कमिटमेंट है तो वी कैन रीच आउट टू इवन 1000 पीपल साइमल्टेनियसली ऑल्दो इन एन ऑनलाइन मोड। अदरवाइज हम देखते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में 50 लोगों को भी उनका लक्ष्य अपने पास रखना आसान नहीं होता है, क्लासरूम में भी नहीं होता है, ऑनलाइन में तो और नहीं, लेकिन हमने देखा कि 1000 लोगों को भी जब वर्कशॉप किया गया तो 800-900 लोग उसमें पूरे 5 दिन सभी सेशन में रहते थे, सर्टिफिकेशन भी देने की व्यवस्था की गई थी। तो ऐसा ये जो उपक्रम 4 साल से AICTE ने टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में चला रहे थे, वैसे ही UGC मैं जानता हूँ कि उन्होंने भी एक बुकलेट बनाया है कि वैल्यूज़ के बारे में, और वो प्रदान करने के लिए आपकी सहभागिता
और यूजीसी चेयरमैन हमारे बीच में है, वो खुद यहाँ आज आए हैं, तो इसकी महत्वता देखते हुए आप सब लोगों को साथ में लेते हुए सारे यूनिवर्सिटी में भी इसको लागू करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, ऐसे कहते हुए मैं चार शब्द समाप्त करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम।